इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फिफ्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यूनिट टू चैप्टर नंबर नाइन द ट्राइंटी वॉन्टी गंगोलॉप दिस इज अ पोयम द ट्राइंटी वॉन्टी गंगोलॉप ये पोयम एक इमेजिनरी इंसेक्ट के बारे में है तो आइए पहले हम इस पोयम को देखते हैं कि इस पोया में क्या दिया है आइए देर इज अ वेरी फनी इंसेक्ट दैट यू डू नॉट ओफन स्पाय एंड इट इज इन अ स्पाइडर एंड इट इज इन अ फ्लाई वो एक फनी इंसेक्ट है इंसेक्ट यानी कीड़ा या कीट है ना जिसे तुम तुम लोग आसानी से ढूंढ नहीं पाओगे वो ना तो स्पाइडर है और ना ही एक फ्लाई फ्लाई मतलब मक्खी या मच्छर इट इज समथिंग लाइक अ बीटल एंड एंड लिटिल लाइक अ बी वो थोड़ा बहुत बीटल जैसा मतलब बग जो होते हैं उस टाइप का दिखता है और वो थोड़ा बी यानी मधुमक्खी की तरह दिखता है बट नथिंग लाइक अ वुल ग्रब दैट क्लाइम्स Upon a tree, its name is quite a hard one, but you'll you will learn it soon. I hope. But wo ek larva nahi nahi hai matlab larva matlab illi illi jo पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा. Its name is quite a hard one. उसका नाम थोड़ा सा hard है. Like but you will learn it soon. लेकिन जल्दी तुम लोग सीख जाओगे आई होप मुझे आशा है सो ट्राई 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 एंटी वी ट्राई एंटी वी गोलॉप इट लिव्स ऑन वीट्स एंड वेटल गम एंड हैज अ फनी फेस वो कहा रहता है वीट्स वीट्स मतलब अनाज एंड वेटल गम वेटल गम क्या होता है जो ट्री से एक रेडिश लिक्विडी uh, फॉर्म uh, में निकलता है उसे वैटल गम कहते हैं एंड हैज अ फनी फेस और उसका फेस कैसा है बहुत फनी फेस है वो बहुत फनी दिखता है इट्स एपिटाइट इज हार्टी एंड इट्स मैनोस डिजग्रेस उसका जो एपिटाइट है मतलब भूख बहुत उसकी भूख ज्यादा है और उसकी जो मैनोस है खाने की वो डिस्ग्रेस है डिसग्रेस मतलब मतलब अटपटा है उसका खाने का तरीका वैन फर्स्ट यू कम अप इट इट विल गिव यू क्वाइट केयर जब आप जब आप उसको देखोगे तो डर जाओगे बट वैन यू लुक फॉर इट अगेन यू फाइंड इट इजेंट देयर पर जब तुम उसको फिर से देखोगे तो वो तुमको वैसा नहीं दिखाई देगा एंड अनलेस यू कॉल इट सॉफ्टली इट विल स्टे अवे एंड मॉप और जब तक आप उससे सॉफ्टली बात नहीं करोगे तो वो दूर भाग जाएगा या और या गायब हो जाएगा सो ट्राई ट्राय ट्राई एंटी वॉन्टी ट्राई एंटी वॉन्टी ट्रिम्बल्स इफ यू टिकल इट और थ्रेड अपॉन इट्स टो उसको आप टच करते हो तो वो काँपने लगता है और वो अपनी टो ऊँची करके चलता है इट इज़ नॉट एन अर्ली राइजर बट इट हैज़ अबिश नोज़ वह जल्दी उठने वाला नहीं है और उसकी नाक पर उसकी नाक मोटी है

पर पर की आवाज़ प्राउडली करेगा अगर तुम तो उस उसका जो नाम है वो प्राउडली लोगे एंड ऑफर एट सम सैंडविचेस ऑफ सीलिंग वैक्स एंड सोप और वो सैंडविचेस में सीलिंग वैक्स एंड सोप डाल के देगा सो ट्राई 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 एंटी वॉन्टी चु आई एंड वॉन्ट गंगोलॉप बट ऑफ कोर्स यू हैवन सीन इट एंड आई ट्रूथ ट्रुथली कन्फेज शायद तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा और मैं भी अपनी गलती मानता हूँ देट आई है आई डोंट नो इट्स एड्रेस कि मैंने भी उसे कभी देखा नहीं है और मैं उसका एड्रेस भी नहीं जानता हूँ फॉर देयर इज इन सच अ इंसेक्ट दो देयर रियली माइट हैव बीन सो इसके और मुझको उसका पता भी नहीं मालूम है मैंने भी इस तरह के इंसेक्ट नहीं देखा है इफ द ट्रीज एंड ग्रास वर् पर्पल एंड द स्काई वॉज बॉटल ग्रीन तो वो क्या कन्फ्यूज करता है कि वो मजाक कर रहा था और इस तरीका को कोई इंसेक्ट होता नहीं है Uh, अगर ट्रीज एंड ग्रास होते पर्पल या स्काई वॉटर ग्रीन का होते तो हो सकता था कि ऐसे इंसेक्ट हो इट्स जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइंड ये एक छोटा सा जस्ट अ जोक था मेरा विच यू विल गे फोर गेव आई होप जिसे आप सब uh, माफ़ कर देंगे मुझे ऐसे आशा है ओह ट्राई सो ट्राई करेक्टली ट्राई ट्राई एन टी वॉन्टी ट्राई एंटी वॉन्टी गंगल सो बच्चों हमारी पोएम ट्राई एन टी वॉन्टी गंगल फिनिश होती है और पार्ट टू में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे